ਬੇਲਤਾ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਬੇਲਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਜਾਇਆ ਸਾਨੂੰ दिल्ली कमेटी के प्रधान और अकाली दल बादल के नेता मनजीत सिंह जीके पर दूसरी बार अमेरिका में हुआ हमला सोची समझी साजिश का हिस्सा है और इसके पीछे सिख विरोधी शक्तियां और अकाली दल की सियासी विरोधी कांग्रेस पार्टी की मिली भगत दिखाई देती है। यह बात हीरा सिंह गावड़िया ने कही। देखो जी, ये कोई कहे सिख का काम नहीं, वो खरीदे हुए बंदे ने, क्योंकि चुके चुकाए बंदे जड़े जो सरदार मनजीत सिंह जीके ने दिल्ली दे काम करके विखाए आ जां वर्ल्ड दे विच जिहड़े सिख वसदे आ उन्हां दे मसले सरदार मनजीत सिंह जीके ने सरकार तक लिजा के उन्हां दा हल कराया। मैं कहना होर नहीं किसी ने करा सकिया। तो इस करके इहो जिहे इंसान ते जिहड़ा 24 घंटे धर्म की गल करता होम लम करता होम की गल करके जोड़े बहर साढ़े नौजवान बैठे उन्हों की गल करता हो जे बंदे ते हमला हो जाना, मैं तो सिख नहीं समझता, ना सिखी के काबिल ने, वो तो किसी एजेंसियों के बंदे ने जेड़े साढ़े जी प्रफुल्लता हो रही है धर्म की, जेडे धर्म की गल करते हैं उन्होंने हमले करते हैं। राहुल बहरले देशों तरह वो उत्ते क्यों नहीं किया हमला? राहुल गांधी बाहरले देशों में गया, बरगाड़ी गार्ड भी नंगे हो रहे हैं, कौन ने लोग? तो इस करके जेड़े लोगों ने उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए आ, तो जेड़ी ये सरदार मनजीत सिंह ते हमला करना, मैं कहना सिख धर्म ते हमला करना। आप इत्थे जेड़े अंबैसडर यूनाइटेड स्टेट्स के है, उन्होंने तो मैं समय लिता है, कल 2:30 बजे उन्होंने जाके मिलोंगे तो पूछांगे कि थोड़े देश से जिथे आज़ादी की तो सेफ्टी तो सिक्योरिटी की गल की जाती है, जे कौम के नुमाइंदगे शरेआम दिन दिहाड़े इस तरह मारिया कुटिया जाता है तो बंदे अरेस्ट होने कुछ ही घंटे बाद बाहर निकल जाते हैं, तुसी की सुनेहा दे रहे हो एक कौम नू ते की थोड़ी ये सिक्योरिटी ये क्या है? ये कल जाके उनसे हम पूछेंगे और इंसिस्ट करेंगे कि इनको पूरी तरह की मनजीत जी को सिक्योरिटी दी जाए।